नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरी ये वाली जो वीडियो है ये है स्विट्जरलैंड के ऊपर। जो बच्चे स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं, ये वीडियो ये व्लॉग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। स्विट्जरलैंड लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत महंगा है, पढ़ाई के हिसाब से ये है वो है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, यही फैक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल बंदा वो भी स्विट्जरलैंड जा सकता है। स्विट्जरलैंड में ऐसा है कि दो तरीके की यूनिवर्सिटीज़ होती है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। सभी जानते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत बहुत एक्सपेंसिव होती है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक। सो पब्लिक यूनिवर्सिटी में लाइक कुछ कोर्सेज़ तो सिर्फ ऐसे हैं जो 80,000 और 1 लाख के अंदर भी हो जाते हैं, बट वही सेम कोर्सेज प्राइवेट में 30 लाख 40 लाख तक जाते हैं। सो आई प्रेफर एंड आई कंसिडर, प्लीज़ जो भी बच्चा स्विट्जरलैंड का प्लान कर रहा है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी ही ले, ना कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी। आफ्टर दैट लाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लाइक पता है क्या है, बहुत सारे कोर्सेज दे देते हैं ना, हो हेल्थ लाइक होटल मैनेजमेंट ले लो, ये ले लो, आईटी वगैरह। बट अगर यही सेम कोर्स आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी मिल रहे हैं तो ज़्यादा ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू कि आप उनको प्राइवेट मिलो और अपना पैसा बर्बाद करो। और सबसे सबसे अच्छी बात क्या है स्विट्जरलैंड की, कि वो आपको स्कॉलरशिप देते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आपकी अच्छी परसेंटेज है और आपने बैचलर्स वगैरह कर रखी है तो वो आपको काफ़ी अच्छा पैकेज देते हैं स्कॉलरशिप का, लाइक 7-8 लाख और मोर देन। सो उससे क्या होता है, आपका पूरे साल भर का, अगर मैं साल भर का ना भी कैलकुलेट करूँ, बट फिर भी आपका एटलीस्ट रेंट का खर्चा तो निकल जाता है, और आप उसके बाद कमाओगे तो वो सब हिसाब बराबर हो जाता है। बट सबसे बड़ी दिक्कत क्या है स्विट्जरलैंड के अंदर, सबसे बड़ी बस यही दिक्कत है स्विट्जरलैंड के अंदर कि आप जब स्विट्जरलैंड पहुंचते हो तो स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट के हिसाब से आप वहां पे जाते ही 6 महीने काम नहीं कर सकते हो। आप बिल्कुल भी 6 महीने वहां काम नहीं कर सकते। आफ्टर 6 मंथ्स आपको काम करना पड़ेगा, वही 20 घंटे जो हर कंट्री का रूल है, कनाडा वगैरह का। आजकल लोग कनाडा जाना कम पसंद कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, और मैं भी प्रेफर यही करूँ कि लोग ना ही जाएँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत रश हो चुका है। सो दूसरी कंट्रीज ट्राई करनी चाहिए तो वो ज़्यादा अच्छी हैं, जहाँ पर खर्चा थोड़ा कम हो। बट खर्चा कम के साथ साथ एक दिक्कत और है स्विट्जरलैंड में, क्योंकि स्विट्जरलैंड छोटा है तो वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन क्या हो जाता है कि हम जब लाइक इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं, लाइक बच्चे तो ऑफकोर्स वहाँ पे भी पढ़ते होंगे, इंडियंस ऐसा तो है नहीं, इंडिया तो हर कोने में बसा हुआ है भाई, हर कोने में। सो थोड़ी सी जॉब मतलब मिलने में दिक्कत हो सकती है, वो हर जगह, कनाडा में भी कोई वो नहीं है, बहुत ज़्यादा तीर नहीं चल रहे, वहाँ पे भी ऐसा ही का है हाल। लेकिन एक दिक्कत क्या है कि स्विट्जरलैंड की जो गवर्नमेंट है ना, वो वहाँ पे क्या करती है, 6 महीने का टाइम देती है आपको जॉब ढूंढने के लिए। अगर आपने 6 महीने तक जॉब ढूंढ ली तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर आपको कंट्री से बाहर आना पड़ेगा। और यही सेम जर्मनी जो है वो 18 महीने का आपको टाइम देती है कि आप 18 महीने के अंदर अंदर अपनी जॉब ढूंढो, और आपको इतना 18 महीने के अंदर तो भाई जॉब मिल ही जाएगी। ऐसा भी क्या है कि 18 महीने के अंदर जॉब नहीं मिलेगी, ऑफकोर्स मिल जाएगी 18 महीने के अंदर जॉब, बट स्विट्जरलैंड में ये सिर्फ 6 मंथ्स का टाइम देती है। थोड़ा गंदा है बट आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, है तो है। एंड वन मोर थिंग, ये लोग क्या करते हैं कि आपको जो अपना वो फंड शो करना है वो 20 से 21 लाख करते हैं, आई थिंक फ्रैंक चलता है वहाँ पे कुछ, तो वो 21,000 समथिंग, तो वो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। बट आजकल कनाडा ऑस्ट्रेलिया ने भी कर दिया, हमें लोन लेके हम दिखा सकते हैं और वापस कर सकते हैं लोन, तो वो सब सॉल्व आउट हो जाता है। और एक बात और, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट ना बहुत जल्दबाजी करते हैं, लाइक कनाडा 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 ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, बट बी श्योर आप कनाडा ऑस्ट्रेलिया यूके को छोड़ के और कंट्रीज में जाएं, सो डेट वहाँ का इटली भी अच्छा है, पुर्तगाल भी अच्छा है। ऐसा नहीं कनाडा में कुछ अलग ही वहाँ पे रखा है, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ खास। बट हाँ, ये जो वहाँ पे सेटल है, जो वहाँ पे जॉब कर चुके हैं, उनको वो अच्छा भी लगने लग जाता है। लेकिन आप और भी कंट्रीज ट्राई कर सकते हैं साथ साथ, आप अच्छे से रिसर्च करिए, यूके यूएस वगैरह का भी देखिए, सिर्फ कनाडा ऑस्ट्रेलिया के पीछे मत भागिए। आजकल ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी अच्छे ऑफर दे रहा है एज कम्पेयर टू कनाडा, थोड़ा स्ट्रिक्ट हो चुका है कनाडा, बट स्टिल बेटर है। इन द लास्ट बट बस मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप स्विट्जरलैंड में एडमिशन लेना पसंद करते हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ पब्लिक में लीजिए, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में लीजिए। सिर्फ खर्चा कम होगा आपका, वहाँ रेंट निकल जाएगा और आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, तो ज़्यादा बेटर है। 50 लाख खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं, जिसके पास ज़्यादा आ रहे हो मेरे पास भेज सकता है अगर उसका कोई प्लान है तो ऐसा, लेकिन प्लीज़ ऐसा आप मत कीजिए। आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ देखिए पब्लिक में, सो डेट कि वो ज़्यादा रिनाउंड भी रहती हैं, ऐसी ऐसी नेम फेम वाली यूनिवर्सिटीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता कि आपको आगे जॉब भी ना मिले। ओके, एंड थैंक यू सो मच मेरा ब्लॉग देखने के लिए। बाय, टेक केयर, नमस्कार।